अभी ये तो मिड डे मील्स का आज 15 साल हो गए, अभी तक तनख्वा नहीं बढ़ाया। अभी मिड डे मील्स का सुप्रीम कोर्ट गता 1 साल में 2 साल में एक बात करा, वर्कर को मिड डे मील्स वर्कर को 18,000 देना है बोल के वो सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी। अच्छा, आपको दिन के दहाड़ी के कितने रुपए मिलते हैं? एक आदमी को 4 रुपये दिया गवर्नमेंट, 4 रुपये दे रहा एक विद्यार्थी की, एक बच्चे को 4 रुपये दे रहा गवर्नमेंट। अभी हाँ, अभी बहुत ये तो चावल अभी दाल पूरे ये बड़ा बड़ा ये कर रहा है। आपको कितने मिलते हैं? आपको कुछ नहीं मिल रहा है वो, हाँ कुछ नहीं मिल रहा, खाली गवर्नमेंट स्टेट ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अभी 1,000 रुपये दे रहा है। हाँ, गता एक 10 साल से अभी तक नहीं बढ़ाया। ये महाराष्ट्र में जो परिस्थिति है वो सिर्फ हर कामगार को 1,000 रुपये पर मंथ वेतन मिलता है, वो भी 10 महीने के लिए, और टेम्पररी अपॉइंटमेंट दी जाती है, परमानेंट कामगार नहीं है। इसीलिए हम मोदी सरकार के साथ संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष हमारे न्याय के लिए है। हमारे जो इश्यूज़ है मिड डे मील वर्कर्स के, जो इश्यूज़ है, जो प्रॉब्लम्स है, इसके वास्ते हमें यहाँ दिल्ली तक आना पड़ता है। और ये दिल्ली सरकार जो है, ये दिल्ली सरकार मोदी जिन्होंने कल्याणकारी योजना निकाली है, दिल्ली सरकार ने, और वो कल्याणकारी योजना में जो काम करने वाले हैं उन पर उन्होंने बहुत अन्याय किया है। आपको मालूम है 5 सितंबर को हमने एक मोर्चा निकाला था, उस मोर्चे के बाद ये मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजना में काम करने वाले आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कर्मचारी, इनका वेतन बढ़ा दिया, घोषित किया, लेकिन उस योजना में ही काम करने वाले जो शालेय पोषण के कामगार हैं उनको 1 रुपया भी बढ़ा नहीं दिया है। इसलिए हम आज का जो ये जो मोर्चा है, जो रैली है, ये उसके वास्ते है कि हमें न्याय दे दो, मिड डे मील वर्कर्स को न्याय दे दो। और हमारी एक मांग है किमान वेतन 18,000 रुपये मिलना चाहिए, किमान वेतन 18,000 रुपये मिलना चाहिए। और दूसरी मांग ये है कि गवर्नमेंट प्रशासकीय अधिकारी और संगठन के जो नेतागण है, इनका एक ILC बोल के एक संगठन है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, भारतीय श्रम परिषद, वो हम मांग कर रहे हैं कि भारतीय श्रम परिषद के जो सिफारिशें हैं वो सिफारिशें लागू करो। जो मान्य किया है, गवर्नमेंट ने मान्य किया है कि ILC की जो सिफारिशें हैं हम लागू करेंगे पूरे देश के कामगारों के लिए। हमारे मोदी सरकार को इतनी विनती है कि हमारे मानधन में वार कीजिए, हम सिर्फ 1,000 रुपये पे काम करते हैं, हमको 6 तास हमको काम करने के लगता है। और मोदी सरकार को हमको इतना बताना है कि हमारे महिलाओं का थोड़ा काम समय खूब हमको बहुत कष्ट पड़ता है, सिर्फ हमको 1,000 रुपये मिलता है, हर राष्ट्र में हर 33 रुपये रोज हमको गिरता है, सिर्फ 33 रुपये रोज। आप 2 दिन मेहमान आए तो चाय के लिए 150 रुपये खर्च होता है, हमको 6 घंटा 33 रुपये रोज में काम करना पड़ता है। हमारा इतनी विनती है कि कम से कम हमको 4-5 हज़ार रुपये का मानधन बढ़ा दिया जाए। हमारी मांग तो है 18,000 की मांग है, मगर हमारी इतनी विनती है कि हमको सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये का मानधन बढ़ा दिया जाए। हमारी सिर्फ मोदी सरकार को इतनी विनती है कि हमारे मानधन में बढ़ा दिया जाए। हम सब हर एक मजदूर इतना हर गरीब गरीब घर का मजदूर है कि हमारे घर पे झोपड़ी भी नहीं है, हम पत्रे बेचकर हम मानधन का हर एक मजदूर का हम जो बच्चों को खाना खिलाते हैं ना, उनके जो बिस्किट वो बांटते हैं ना, तो हर महीने को हर खर्चा हम वो दुकानदार को हमारे हर घर पर एक एक पत्रा बेचकर हम उनको पैसा देता है, जो कि हमको आशा है कि वो मोदी सरकार हमारी मांगे बढ़ा देंगे, हमारे काम का जो मुआवजा है
स्कूल में? छह तास से नौ बजे से तो दोपहर 2 बजे तक हमारे को काम रहता है पूरा। हम स्कूल झाड़ते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, उतना बहुत काम हमको रहता है सवेरे 9 बजे से तो दोपहर 2 बजे तक। जो कि चावल जो चुनने से है, चूल्हा सिलगना पड़ता है, लकड़ी सिर पे लाते हैं हम, पानी बॉर्डर से निकल के लाते हैं। हमारी उतनी से उनको विनती है कि हमारे महिलाओं को जो कष्ट गिरता है उनका उतना मुआवजा दो। हर दिन मिलता है ये, हाँ ये कुटतरी नजर ये चुकली ले है, नजर चुक झाली है सरकारची। हे समजून घेऊन सरकारने ह्या गोरगरीब महिलावर जी व्हायला अन्याय ती थोडासा दूर करावा, कारण 33 रुपये एक दिवसाला मिळते आहे ज्यासाठी 8 घंटे, आणि एवढंच नाही तर त्या 33 रुपयामध्ये एक खटा देत आहे सरकार, आणि त्या 33 रुपयामध्ये शिक्षक नजर घालतंय, राजकीय पुढारी लक्ष घालतंय, आणि 500,000 रुपये त्याच्यातून बी काढायचा प्रयत्न करतोय की 4-6 महिन्याचं एक खटा पैसे मिळतात, 2-3 महिन्याचं एक खटा मिळतात, त्यावेळेस इतकं पैसे का तुम्हाला असं बोलून ह्याच्यात बी 1,500 रुपये ह्याच्यातून बी हेडमास्तर काढतो, ते पुढारी काढतो, तो जे की पोषण हार जो अध्यक्ष असतो ती भी दाब देतो, नाही तर तू निघ म्हणतो, भीती दाखवतो ह्या महिलेला काढण्याची। आणि मग हे सरकारने हे जे अतिशय काळजीपूर्वक ह्याची थोडीशी दखल द्यावी आणि ह्या महिलेला जास्तीत जास्त मानधन देण्याचा प्रयत्न करावा, ही आमची विनंती आहे मोदी साहेबाला। एक सरकार से सवाल आहे मेरा, एक सवाल, ये देश के बच्चों को जो महिलाएं खाना खिलाती है, जो खाना खिलाते हैं उसको माँ बोलते हैं, माँ इस देश को खाना, जो ये देश के बच्चों को खाना खिलाते हैं उसको माँ बोलते हैं, वो माँ को अगर ये सरकार 33 रुपये रोज देती है तो ये सरकार क्या चलाती है, काय का सरकार है, क्या है, क्या है इसकी, इसमें क्या न्याय क्या है? और ये 33 रुपये जो पगार है वो 6 महीने में 8 महीने में एक बार देती है 33 रुपये रोज से। ये देश के बच्चों को खाना खिलाने वाले को 33 रुपये अगर ये सरकार देती है तो ये सरकार ने खुर्ची छोड़नी चाहिए। 1,60,000 महिलाओं की समस्या लेके आई दिल्ली, ये हमारी समस्या यह है कि आंगनवाड़ी को तनख्वाह बढ़ गया, आशा को वर्कर्स को बढ़ गया, जिनके पीछे सिर्फ 1-1 घंटा काम है और हमने 6-6 घंटे काम करते ही हमारे को सिर्फ 33 रुपये तनख्वाह है। क्या हमारे गौर गरीब महिलाओं के लिए सरकार के तिजोरी में सिर्फ 33 रुपये चाहिए क्या शिल्लक? सो गए क्या? जो काम करती उनको तनख्वाह नहीं है, जो काम नहीं करती उनको भरपूर तनख्वाह है। सरकार से हमारी गुजारिश यही है कि हमारे शालेय पोषण आहार कामगारों को किमान वेतन 18,000 रुपये मिलना चाहिए। हम हरियाणा से आए फरीदाबाद पलवल से। अच्छा, ये मोदी सरकार मिड डे मील के साथ भेदभाव कर रही है, जास्ती कर रही है, और केवल थोड़ा वेतन देके पूरा काम लिया जा रहा है। उसके खिलाफ हम आज मोदी सरकार को चेताने आए हैं कि हमारी बातों पे गौर करो, वरना 8 और 9 जनवरी को पूरे देश में हड़ताल होगी, ये हमारा फैसला है। हमारे 3,500 रुपये दे रखे, हमें भी पैसे बढ़वाने अपने, और हम इतना काम करते हैं 3,500 में क्या होता है, क्या हमारे बच्चे नहीं है, कौन नहीं है? 3,500 में गुजारा करके दिखाओ हमें, हम कैसे बच्चे पालते हैं अपने, कैसे और काम करते हैं? 3,500 में क्या कर लेंगे हम, कुछ परिवार नहीं चलता। देखिए मिड डे मील सबसे कमजोर वर्ग है और सबसे ज्यादा शोषण कर रही है इनका सरकार, सबसे कम इनको मानदेय मिलता है, जो कि वो भी टाइम पे नहीं मिलता, 3-3, 4-4 महीने में 5-5 में आता है, ना कोई वर्दी है ना कोई टाइम टेबल है। ये सुबह आती है और मास्टरों के साथ जाती हैं, मतलब इनके साथ जो अत्याचार है बहुत बुरा अत्याचार है मोदी सरकार का। आपकी भी ड्यूटी रहती है स्कूलों में? स्कूलों में बिल्कुल बराबर ड्यूटी रहती है, जैसे मास्टर जी की ड्यूटी रहती है वैसे ही मिड डे मील की बराबर ड्यूटी रहती है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम मिनिमम वेज तो इनको दे, कम से कम 18,000 तो हो जीने लायक, ना कोई ESI है, ना कोई फंड है, ना कोई कुछ है। अगर रसोई में कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई इंतजाम
इंतजाम नहीं है कैसा भी, जो ये पूरा दिन अपना काम बच्चों को छोड़ के आती है, ना कोई छुट्टी है ना कोई कुछ है इनका। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिड डे मील वर्करों के साथ सरकार हमेशा अत्याचार ही करती है और उनका शोषण करती है। अध्यापक भी इनके साथ इनका शोषण का शिकार करते हैं, इनको अपने घरों के काम और इनसे अपने बर्तन धुलवाते हैं, स्कूलों में साफ सफाई करवाते हैं। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आपने जिस काम के लिए मिड डे मील को रखा है वही काम उनसे करवाएं और इससे अलग काम न कराएं। इनका न्यूनतम वेज जो बनता है, जो जिससे वो एक सम्मानजनक अपना परिवार का पालन पोषण कर सके, कम से कम इन्हें इतना वेतन मिलना चाहिए।